एक बार की बात है, कपिल वस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। रानी ने लुम्बिनी उद्यान में एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। राजा और रानी ने अपने बेटे का नाम सिद्धार्थ रखा। दुर्भाग्य से बच्चे के जन्म के 7 दिन बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। जब सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति काला देवला ने राजा शुद्धोधन को बताया कि उनका बेटा ऐसी चीजें देखेगा जो उसे दुखी कर देंगी और वह जंगल भाग जाएगा। इसलिए राजा ने अपने बेटे को कभी भी महल की दीवारों के बाहर नहीं जाने दिया। सिद्धार्थ एक उज्जवल और खुश मिजाज लड़का था जो बहुत ही दयालु और देखभाल करने वाला था। एक दिन सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त महल में टहल रहे थे। देवदत्त ने एक पास के हंस को देखा और उसे तीर मार दिया। सिद्धार्थ घायल पक्षी को देखकर डर गए। उन्होंने हंस के शरीर से तीर निकाला और घाव पर औषधीय जड़ी बूटियां लगाई। उनके चचेरे भाई को पक्षी चाहिए था क्योंकि उसने उसे मारा था, लेकिन सिद्धार्थ ने सहमति नहीं दी। नतीजतन दोनों लड़के अदालत चले गए। अदालत में बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हंस उस व्यक्ति का है जिसने उसे बचाया और न कि उसका जिसने पक्षी का जीवन लेने का प्रयास किया। सिद्धार्थ युवा हो गए। राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि सिद्धार्थ के विवाह के बाद वह कभी अपने घर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी पत्नी है। दूसरी ओर सिद्धार्थ महल की दीवारों के अंदर असंतुष्ट महसूस करते थे। एक दिन राजकुमार ने अपने सेवक चन्ना से आग्रह किया, चलो महल के बाहर टहलने चलते हैं। उनके चलने के दौरान उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो झुका हुआ था। सिद्धार्थ ने पहले कभी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह क्या है? चन्ना ने जवाब दिया, यह एक बूढ़ा आदमी है, एक दिन हम सभी बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ उदास होकर अपने महल लौट आए। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर से महल से बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में रो रहा था। वह आदमी क्यों रो रहा है चन्ना? राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था। वह बीमार है और दर्द के कारण रो रहा है, चन्ना ने जवाब दिया। राजकुमार दुखी हो गए और अपने महल लौट आए। जब सिद्धार्थ अगली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह एक मृत शरीर को खींच रहा है। चन्ना ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, एक दिन हम सभी मर जाएंगे। सिद्धार्थ को पता था कि राजा ने उन्हें इन संभावित खतरों से बचाने के लिए महल में रखा था। क्या हमें सभी को इन चरणों से गुजरना होगा? बूढ़ा होना, बीमार होना और मरना? राजकुमार ने अपने आप से सोचा, क्या हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है? सिद्धार्थ ने एक बार फिर महल के बाहर कदम रखा। उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने भगवा वस्त्र पहने थे, सिर मुंडा हुआ था और हाथ में कटोरा था। वह आदमी बहुत अच्छे मूड में दिख रहा था। वह आदमी कौन है चन्ना? उन्होंने पूछा। चन्ना ने जवाब दिया, वह एक समझदार आदमी है, उसने सब कुछ छोड़ दिया और खुशी की तलाश में जंगल में चला गया। राजकुमार ने जो कुछ देखा था उस पर विचार किया। इसके बाद उन्होंने खुशी की तलाश में महल छोड़ने का फैसला किया। एक रात जब उनकी पत्नी और बेटा सो रहे थे, सिद्धार्थ अपने वफादार सेवक चन्ना के साथ चुपके से महल छोड़ गए। वे साथ साथ चलते हुए अनोमा नदी तक पहुंचे। वहां राजकुमार ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उन्होंने चन्ना को अपने कपड़े और घोड़ा महल लौटाने के लिए दे दिया। फिर उन्होंने अपने लंबे बाल मुंडवाए, भगवा वस्त्र धारण किए और एक कटोरा लेकर निकल पड़े। क्या आपको स्थायी खुशी का मार्ग पता है? सिद्धार्थ ने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जिनसे वे मिले। किसी के पास उनके लिए कोई उत्तर नहीं था। अंत में सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने आप समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। सिद्धार्थ की यात्रा कई वर्षों के बाद समाप्त हुई। लोग उन्हें गौतम बुद्ध कहने लगे क्योंकि वह एक ज्ञानी व्यक्ति बन गए थे। बुद्ध सभी पक्षियों और जानवरों से प्यार करते थे और वे उनके साथ करुणा से पेश आते थे।